रमजान महिन्यात खजुराची वाढली मागणी। रमजानचा पवित्र महिना सुरू झालाय। रमजानच्या महिन्यात मुस्लिम बांधव आहाराला विशेष महत्व देत असतात। विशेष म्हणजे खजूर खाऊन उपवास सोडावा असे म्हणतात। रमजान काळात खजूर खाण्यास विशेष महत्व दिले जाते। हदीस साहित्यात असा उल्लेख आहे की अल्लाहचा दूत प्रार्थना करण्यापूर्वी पिकलेल्या खजुरांनी उपवास सोडत असे। असे म्हटले जाते की प्रेषित मोहम्मद यांनी देखील 3 खजूर आणि पाणी पिऊन उपवास सोडला होता। तेव्हापासून रमजान महिन्यात खजूर हा महत्वाचा भाग मानला जातो। त्यामुळे रमजान महिन्यात मुस्लिम बांधवांना रोज उपवास सोडण्यासाठी खजूर अत्यावश्यक आहे। खजूर खाऊन रोजा सोडणे हे अत्यंत महत्वाचे समजले जाते। तर दुसरीकडे यामागे वैज्ञानिक कारण देखील आहे। खजूरमध्ये भरपूर कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण असते जे दिवसभर आपली भूक नियंत्रित करण्यास मदत करते। खजूर पचायला सोपे असतात त्यामुळे जास्त वेळ उपवास केल्यावर पोट दुखत नाही। अनेक रोगांवर हा खजूर गुणकारी असल्याची माहिती डॉ वसीन चौधरी यांनी दिली आहे। रमजान सुरू असल्याने खजूर विक्रीमध्ये वाढ झाली आहे। बुलढाणा बाजारात लाल खजूर, अजवा खजूर, कलमी खजूर, मस्कती काला खजूर, इराणी ओमानी खजूर याशिवाय खजुराच्या झाडाच्या फांदीसह देखील काही खजूर मिळतात। 100 रुपये प्रति किलो दरापासून तब्बल 2500 रुपये प्रति किलो दराचे खजूर उपलब्ध आहेत। वर्षभरात खजुराची जितकी विक्री होते तेवढी विक्री केवळ रमजान महिन्यात होत आहे। हमारे इस्लाम में फर्ज रखा गया है 1 महीना, मतलब 12 महीनों में से 1 महीना आपको उपवास रखना है। इसमें वीकनेस तो आती है लेकिन इसमें जो खजूर वगैरह खाते हैं, खजूर हो गया, फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए और दूसरी चीज़ें जो कुछ है, लेकिन इसमें खजूर का मेन इम्पोर्टेंस ऐसा है कि खजूर भी सुन्नत है हमारे, उसमें है ना। इस्लाम में खजूर को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। उसमें खजूर से हमको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आयरन मिलता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर में जो ये फास्ट रखने की वजह से जो कमियाँ आती है विटामिन्स की, तो ये विटामिन्स वगैरह इससे मिल जाते हैं। अभी फ़िलहाल माह रमज़ान मुबारक चल रहा है जिसका आज 4th दिन है। इस्लाम के जो मेन अरकान है 5, उसमें से ये 4th रुकन है। रमज़ानुल मुबारक हर साल 1 महीना मुसलमान इसमें रोज़ा रखते हैं, उपवास करते हैं और शाम में 12-14 घंटे के बाद दिन भर बगैर खाए पिए पानी तक नहीं पीते ऐसा ये उपवास चलता है और शाम को खजूर से ये रोज़ा खोला जाता है। खजूर की खासियत ये है कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अरबस्तान में हुई है और वहाँ का जो तरीका था उन्होंने जो बतलाया कि भाई खजूर खाने से आदमी के बदन में कैल्शियम पैदा होता है और उसका एक वैशिष्ट है कि भाई स्पेशल जो है खजूर से ही रोज़ा खोला जाए कि आदमी की थकावट और बदन में जो भी उसके वीकनेस आता है वो खजूर से दूर हो जाता है। तो ये पवित्र रमज़ान हर महीने आकर आने वाले 11 महीने का एक ट्रेनिंग है और रोज़ा फकत आदमी के पेट का रोज़ा नहीं है, आदमी के आँख का रोज़ा है, आदमी के हाथ का रोज़ा है, पैर का रोज़ा है, अपनी नज़र को बचाने का रोज़ा है और ये 1 महीना ऐसा ट्रेनिंग होता है कि आने वाले 11 महीने जो है उसके एतबार से आदमी अपनी ज़िंदगी गुजारे। मुसलमान सभी जो है उसमें ज़ईफ़ हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, सभी जो है उपवास करते हैं।